ग्वालियर में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में युवक की मौत के मामले में आरोपी पक्ष के कुछ लोगों को गलत ढंग से फंसाए जाने को लेकर पूर्व विधायक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष रामबरन गुर्जर ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने निर्दोष लोगों को इस मामले से निकालने की मांग की, जहां रामबरन गुर्जर का कहना है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें तीन लोग मौके पर थे ही नहीं। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। अभी जो दुर्भाग्यपूर्ण डबरा में जो घटना घटी थी उसको लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो हमारे लोग हैं जो निष्पक्ष मौके पर नहीं थे और उनकी मोबाइल लोकेशन देख लें, उनके सीसी कैमरे देख लें और उनकी जांच निष्पक्ष जांच कराएं, जो लोग उसमें नहीं थे उनको निकाला जाए, निर्दोषों को ना फंसाया जाए। जो वास्तव में घटना घटी है, जो निर्दोष दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। गुर्जर समाज की तरफ से ज्ञापन है, इनका कहना है कि डबरा में भी एक मर्डर हुआ था तो उसमें कुछ लोगों के नाम गलत दिखाए गए हैं और उसका उनका कहना है कि उसमें एविडेंस देख लिए जाए, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देने की बात कर रहे हैं। तो उनका ज्ञापन लिया गया है, पुलिस जो विवेचना कर रही है उसमें सारे पहलुओं को देखेगी, सारे एविडेंस देखेगी, उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी।